बादल महल से आगे गूगल मैप पर दो न्यायालय दिखाई पड़ते हैं, छोटी कचहरी के नाम से और हमीर कचहरी। तो उसकी तरफ चलेंगे। वर्षा काफ़ी तेज हो चुकी है और पूर्ण रूप से भीग चुके हैं हम भी। सामने एक भवन दिखाई पड़ता है, शायद वही हमीर न्यायालय। यहाँ पर एक और सूचना तालाब के विषय में, जो उस तरफ से कुएं को हम देख रहे थे। शायद ये कुआ हो सकता है जो ढका हुआ है। वो स्लेब ढके गए हैं किधर से, इधर से तो मार्ग है नहीं ना। चलिए पहले उधर चलते हैं, आते समय देखेंगे। काफ़ी बारिश हो रखी है और पत्थर देखिए। तो काफ़ी दूर चलने पर यहाँ पर एक भवन दिखाई दिया है। बारिश काफ़ी हो रखी है और देखिए यह शायद छोटी कचहरी हो सकती है, जो कि गूगल मैप पर लिस्टेड है। और यहाँ पर लकड़ी की छत, लेकिन भवन को देखकर लगता नहीं है कि कचहरी होगी इस तरह की। हर जगह के जो नोटिस बोर्ड हैं, सूचना जिन पर लिखी गई है, वो तोड़ दिए गए, जिसके द्वारा हमारे जो महान दर्शक हैं शायद उन्हीं के द्वारा। और पीछे ये एक गड्ढा शायद प्रतीत होता है। और ये देखिए घाटी ही घाटी दूर तक और बारिश का आनंद। दीवार की मोटाई देखिए लगभग 4 से 5 फुट। चलिए और आगे चलते हैं। बारिश हो रखी है, बार बार कैमरे पर लगकर ब्लर हो जाता है कैमरा। अब आगे का रास्ता किस तरफ से है? शायद इस तरफ से है। ये पग पड़े हुए आगे। चलिए चलते आगे। उधर बड़ा सा पत्थर एक, वैसे मार्ग तो इस तरफ ले जा रहे हैं। क्या यहाँ पर सर्प भी रहते होंगे? अवश्य, क्यों नहीं। ये आ गया सामने, दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। लगता है यही है हमीर न्यायालय।
यहाँ तक दूर बंद आ रही है बैक की आइसक्रीम का भी हमीर न्यायालय ये देखिए कितनी जोर से दुर्गंध यहाँ पर है और ये शायद लोहे का इस उद्देश्य से लगाया गया होगा। अंदर चल के देख रहे हैं नहीं देख थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको। बहुत ही दृढ़ छत है ये कौन सी आवाज है विवेक जी? इसको हम कह सकते हैं कैसी शेप होगी ये तो पिरामिड की तरह है पिरामिड। अरे ये देखिए पत्थर केवल पत्थरों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है सॉलिड। और ये देखिए लोक बनाने के लिए कैसे बीच में और बैट्स की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। इधर अंदर शायद कोई कक्ष है बंद किया है। काफ़ी तेज दुर्गंध बैट्स की और उधर सामने देखिए ब्लैक जो है वो सिट है बैट्स की। थोड़ा समय से इधर भी बंद किया गया है और अंदर जाना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि यहीं से हमें बहुत ही मुश्किल लग रहा है खड़ा होना इतने दूर गंदे। अंदर भी काफ़ी अंधेरा और बैग्स की सीट नीचे पड़ी हुई ब्लैक दिखाई दे रही होगी आपको। हमीर देव का जो न्यायालय है हालांकि यहाँ पर काफ़ी दुर्गंध यहाँ पर कितना खुला एरिया है यहाँ पर भी खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है तो थोड़ा सा यहाँ की निर्माण शैली को देख लेते हैं। जो सामने से अगर हम अंदर की तरफ जाते हैं तो तीन आर्च डली हैं एक दो और एक अंदर वहाँ पर और अगर हम सामने से देखते हैं तो पाँच आर्च एक दो तीन चार और पाँच पाँच द्वार जैसा कि हम कहते हैं कि दो कभी भी दो द्वार हम नहीं यूज करते भवन निर्माण में। और यहाँ पर ये जो बेस का पत्थर है वो खंडित हो चुका है किस तरह हुआ है ये अपने आप तो नहीं हुआ होगा शायद जो भी रहा हो लेकिन पूर्णतः पत्थरों को आपस में जोड़कर इसका निर्माण किया गया। तो जो ये लोहे का एंगल जो फ्रेम लगाया ये शायद बाद में लगाया गया और निर्माण शैली आप देख चुके हैं हमीर न्यायालय। तो इस तरफ का ये आखिरी भवन है शायद और आगे घाटी शुरू हो जाती है इससे आगे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस तरफ भी कोई पुराने समय में भवन रहा होगा लेकिन अभी खंडित पूर्ण रूप से
यहाँ पर सीढ़ियाँ, आगे नीचे गहरी खाई है, गाड़ियाँ हैं यहाँ पर जाने के लिए। इधर से बैट्स की आवाज़ और ये हमीर कैफे रही का एक साइन बोर्ड। तो चलिए छत पे चलते हैं। का जो भवन है उसकी छत, और सामने एक और भवन दिखाई दे रहा है। चलिए उस तरफ भी देख लेते हैं क्या है। ये चोट ऊपर वाली निचली से और चौड़ी रही होगी, आगे चलना चाहोगे आप? ये आर्च यहाँ पर खंडित हो चुकी है, ये की स्टोन था आर्च का, और यहाँ से जो इस तरह का ये पत्थर था आर्च, वो शायद निकल गया है। अंदर वाला पत्थर ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक बार यहाँ पर देखिए, कीस्टोन देखिए किस टाइप का, ये देखिए कीस्टोन किस तरह से फिट किया हुआ है। यहाँ पर ये नंबरिंग ये किसी ने बाद में की है या पहले से कुछ है? लिखा क्या है वो देखो, ये तो 5 दिखाई दे रहा है, फाइव, ये तो एल या ई है। चलिए आगे चलते हैं कुछ देखो। ये हजारों हजार वर्ष पुराने अवशेष है। किसी पुराने इमारत के अवशेष, उनसे पुनः निर्माण इनका इस भवन का किया गया है। और ये देखिए एक तरह का सिंबल है ये, और यहाँ से ऐसे अनेकों सिंबल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हजार वर्ष पहले ये बनाया गया तो ये कितने हजार वर्ष पुराने होंगे, और उनको खंडित होने में कितना समय लगा होगा। चलिए आगे उस भवन तक भी वो आते हैं।